नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महाराष्ट्र के मौजूदा सियासी संकट पर अब से दो घंटे बाद शिवसेना की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में विधायक सांसद शामिल होंगे। सभी विधायकों को शामिल होने का मैसेज भेज दिया गया है। व्हाट्सएप, मेल और टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है कि वो बैठक में जरूर शामिल हों। यहां तक कि यह भी साफ कर दिया गया है कि जो भी विधायक इस बैठक में शामिल नहीं होगा उसकी सदस्यता रद्द करने के लिए कहा जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये अपना आखिरी मूव अब शिवसेना ने चल दिया है। अब तक ये जानकारी आ रही थी, अब तक ये संकेत मिल रहे थे कि विधानसभा भंग की जा सकती है, विधानसभा भंग करने के लिए कहा जा सकता है शिवसेना की तरफ से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा प्रस्ताव पास हुआ नहीं कैबिनेट की बैठक में। और अब जो जानकारी निकलकर सामने आई वो ये कि 5 बजे जो शिवसेना ने एक बैठक बुलाई है, बड़ी बैठक बुलाई है, उसमें शामिल होने के लिए सभी विधायकों को एक चिट्ठी भेज दी गई है। ये चिट्ठी व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजी गई है। इसमें साफ कहा गया है कि 5 बजे आपको इस बैठक में मौजूद रहना जरूरी है। अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो वाजिब कारण भी बताना होगा, और अगर आप मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाएंगे तो सदस्यता रद्द करने का डर शिवसेना की तरफ से अब दिखाया गया है उन तमाम बागी विधायकों को जो इस वक्त शिवसेना के साथ नहीं है और एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में एक होटल में मौजूद है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, शिवसेना की बैठक पर बागी विधायकों की नजर है। बैठक से पहले बागी विधायकों ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। मुंबई से हुए फैसले के बाद बागी विधायक कोई कदम उठाएंगे। एकनाथ शिंदे ने लगातार मुंबई की हलचल पर नजर बनाई हुई है। एकनाथ शिंदे ने 46 विधायकों के समर्थन का दावा तो किया ही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां शिवसेना की ये पूरी पूरी कोशिश है कि वो अपने बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस ला सके, तो वहीं एकनाथ शिंदे जो इन तमाम बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी में मौजूद हैं, उनकी नजर है 5 बजे होने वाली इस बैठक पर। केंद्र फिलहाल जो गुवाहाटी का जो ये होटल है ये बना हुआ है, और एकनाथ शिंदे जो उनके समर्थक विधायक हैं उनके साथ यहाँ मौजूद हैं, और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है अंदर भी। जैसे जैसे मुंबई में हालात बदल रहे हैं उसको लेके यहाँ भी लगातार एकनाथ शिंदे जो है अपने विधायकों के साथ यहाँ बैठक कर रहे हैं। और यहाँ पे बीच बीच में आपको कहें कि जो भी अपडेट्स वहाँ से महाराष्ट्र में आ रहे हैं उसको लेके आगे क्या करना है उसको लेके एकनाथ शिंदे अपने साथ जो उनके विधायक हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये लग रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक हो सकती है शिवसेना की, उद्धव ठाकरे की, संजय राउत की, और ऐसे में वो भी चाहते हैं कि एक बार हमारे जो विधायक हो कितना प्रेशर ले सकते, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर यहाँ से बाहर गए तो हो सकता है कुछ और विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है उद्धव ठाकरे की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो ऐसे में लगातार एकनाथ शिंदे जो है विधायकों के साथ बैठक कर रहे, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। और साथ आपको ये बता दें लगभग 90 लोग यहां पर मौजूद हैं, जिसमें से 35 से ज्यादा विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है, और कुल मिला के 90 लोग यहां पर हैं, जिसमें कि उन विधायकों के पीए भी हैं, उनके कुछ परिवार वाले परिवार के सदस्य भी हैं। और यहां पर हम लोग को यह बताया गया कि कुछ और रूम बुक करने के लिए भी कहा गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से, क्योंकि उनका यह कहना है कि शाम को कुछ और लोग यहां पर आएंगे। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके साथ एक अच्छा खासा तबका है विधायकों का, 40 विधायकों का वो दावा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी नज़रें शाम को जो बैठक होने वाली है मुंबई में उस पर, उस बैठक पर है, और ये वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार उस बैठक में क्या निकलता है या कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है इन विधायकों के खिलाफ, तो उसके बाद ही अपने पत्ते खोलेंगे। लेकिन इस बीच में एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार मुंबई में जो उनके संपर्क हैं उनसे भी संपर्क साध रहे हैं, और साथ ही साथ विधायकों को भी एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बार बार समझा रहे हैं, और बाकी जो उनके साथ के जो कुछ और करीबी हैं उनको समझा रहे हैं कि हमारा जो हिंदुत्व को लेकर जो हमने लाइन पकड़ी है वो बिल्कुल सही है, और उद्धव ठाकरे और जो उनकी जो सरकार है, उनकी जो पार्टी है, वो फिलहाल जो बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व का एजेंडा था उससे दूर हो गए, और ऐसे में अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाया जाता है तो असली बाला साहब ठाकरे जो चाहते थे हिंदुत्व की लाइन तो वही होगी। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि जो विधायक उनके साथ फिलहाल है, जो वो दावा कर रहे हैं, वो टूटे नहीं, बल्कि उनकी कोशिश है कि और विधायक उनके साथ आए। देखिए, सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी शिवसेना धमकी देने पर आ गई है। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सभी विधायकों को एक चिट्ठी लिखी है, बाकी विधायकों को भी लेटर लिखा गया है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि शाम 5 बजे मीटिंग है, अगर मीटिंग में नहीं आए तो आपकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए डिप्टी स्पीकर को कहा जाएगा। विधायकों को व्हाट्सएप, ईमेल के जरिए चिट्ठी दे दी गई है, साथ ही टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी मीटिंग की जानकारी दी गई है।
तो ये आखिरी कोशिश अब शिवसेना की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो विधायक हैं वो बागी विधायक गुवाहाटी में इस वक्त मौजूद हैं और ये चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं, इस चिट्ठी में सभी को मौजूद रहने की बात कही गई है। लिखा गया है कि सभी विधायकों को एक खत लिखा गया है, शाम 5 बजे बैठक में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। चिट्ठी में सभी विधायकों को चेतावनी दी गई है कि बैठक में अगर नहीं आए तो सदस्यता रद्द होगी, नहीं आने की लिखित वजह बतानी होगी, नहीं आए तो नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो अब शिवसेना अपने बाकी विधायकों को धमकी देने पर आमदा हो गई है। इस बीच बड़ी खबर यह है, बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने नया और बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे साथ 46 विधायक हैं, कई और विधायक मेरे संपर्क में हैं। यह बड़ा दावा किया गया है उनकी तरफ से, और यह भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी से अब तक कोई प्रस्ताव उनको नहीं मिला है। ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा जा रहा है और यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि उनके साथ 46 विधायक मौजूद हैं और ये संख्या भी बढ़ सकती है। ये भी एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि अभी कई और विधायक उनके संपर्क में हैं। इससे पहले आज सुबह गुवाहाटी पहुंचने के बाद एकनाथ शिंदे ने क्या कहा, ये आपको सुनवा देते हैं। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। मुझे किसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है, मुझे इतना ही बात है कि जो शिवसेना के MLA हैं आज यहाँ मौजूद है और बाला साहब की जो हिंदुत्व की बात है। तो आपने सुन लिया एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने कहा कि कैबिनेट में राजनीतिक हालात पर चर्चा नहीं हुई है, हालात पूरी तरह काबू में हैं। ये नितिन राउत का दावा है, सीएम या सरकार पर टेंशन नहीं है। कैबिनेट में जो रूटीन सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट पे चर्चा हुई, बाकी कोई चर्चा नहीं हुई है। सर जो हालात हम देख रहे महाराष्ट्र में कुछ चर्चा हुई राजनीति को लेकर, जो राजनीतिक पे चर्चा करने का विषय भी नहीं था क्योंकि हालात तो पूरी तरह कंट्रोल में है। मुख्यमंत्री ये इनका फेस स्माइलिंग था, उस पर से आप समझ सकते कि सीएम साहब को कोई टेंशन नहीं है, तो फिर सरकार को भी कोई टेंशन नहीं है। तो सब कुछ ठीक है, ये दावा लगातार अब किया जा रहा है और इस कैबिनेट बैठक को भी रूटीन कैबिनेट बैठक के तौर पर समझा रहे हैं तमाम जो कैबिनेट के सदस्य हैं। दिनेश, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कैबिनेट के कुछ सदस्य कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, ना सरकार पर कोई टेंशन है ना ही सीएम पर कोई टेंशन है। दूसरी तरफ वो जो चिट्ठी जारी की गई है वो पूरी कहानी बयां कर रही है कि कितना प्रेशर है इस वक्त शिवसेना पर अपने विधायकों को वापस बुलाने का। जी देखिए, सियासत में पोस्चरिंग बहुत मायने रखती है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने आज कैबिनेट के साथियों के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है, हंसकर मुस्कुराकर सबसे बात कर रहे थे, लेकिन कैबिनेट खत्म होने के तुरंत बाद ये उनका खत सामने आता है। तो ये दिखाता है कि अपने साथी दलों को अभी भी भरोसा दिलाने की उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तरफ से प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि इस पूरे सरकार के गठन के दौरान शिवसेना ने वादा किया था कि वो सबको साथ रखेंगे। उद्धव ठाकरे ने भरोसा दिलाया था सोनिया गांधी को, शरद पवार को, कि मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, मेरी विचारधारा की वजह से इस सरकार को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, आरोप जब से सरकार बनी है तब से लगातार शिवसेना की तरफ से ही अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता था कि अगर कभी सरकार गिरती है तो उसके लिए कांग्रेस और एनसीपी के विधायक जिम्मेदार होंगे क्योंकि वो लॉयल नहीं है। लेकिन आज नियति का खेल देखिए कि जो शिवसेना अपने साथी दलों पर आरोप लगाती थी उसी शिवसेना के जो विधायक है आज वो हाथ से निकल गए और इसकी भनक तक मुख्यमंत्री ठाकरे को नहीं लगी। और वजह भी क्या रही, वजह रही वही हिंदुत्व जिसका आधार बना रहे थे। लगातार शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा था कि ये हमारी सरकार चलाते वक्त हमारी विचारधारा कभी भी बीच में नहीं आएगी। बहरहाल अब उद्धव ठाकरे ने की तरफ से उनके जो चीफ व्हिप है उनके इस पत्र के बाद करीब 3 घंटे का समय शिवसेना को मिला है, उनमें से जो शिवसेना की तरफ से करी जा रही है, लेकिन ये तो तय है कि फिलहाल संकट में है जो सरकार है महाराष्ट्र की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।